भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज संपूर्ण जगह रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। शिवपुरी के कल्याणी धर्मशाला में आज लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री पहुंचे हैं, आज जहां उन्होंने अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बात करते हुए बताया कि प्रदेश में ग्रामीण अंचल में जहां पीएससी की आवश्यकता है वहां पीएससी खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जहां जहां स्वास्थ्य विभाग में प्रगति करना है वहां लगातार कार्य जारी है और जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको हेल्थ अवेयरनेस सेंटर बना रहे हैं। यहां पर सब ई संजीवनी के माध्यम से सीधा चिकित्सक की सेवाएं ले सकते हैं। जांच की सुविधाएं भी हैं, पैथोलॉजी की जांच की जा रही है, दवाइयों में भी वृद्धि की जाएगी। यहाँ इनॉग्रेशन किया कार्यक्रम का, रक्तदान शिविर का, और दूसरा उसमें आपने एक बात तो बोली कि शिवपुरी में एक नई हॉस्पिटल की भी आप शुरुआत करेंगे, तो ये किस तरह की हॉस्पिटल होगी और यहाँ क्या सुविधाओं का विस्तार होगा? नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हम लोग कर रहे हैं। अनेक नए स्वास्थ्य संस्थान भी हम लोग खोल रहे हैं, जहाँ ग्रामीण अंचल में पीएससी की आवश्यकताएँ उनको पीएससी भी कर रहे हैं, और भी प्रदेश के अंदर जैसे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें प्रगति करना है आप देख रहे हैं कि जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र के उन सबको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से वो सीधा स्पेशलिस्ट की सेवाएं ले सकते हैं, वहाँ जांच की सुविधाएं, पैथोलॉजी की जांचें भी वहाँ पर की जा रही हैं, दवाइयों में भी हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, और अभी एक महाकायाकल्प अभियान हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चला रखा है। सारे पीएससी लेवल के जितने अस्पताल हैं उनको बिल्कुल एकदम साफ सुथरा हम लोग करेंगे, रंगाई से पुताई से, अगर कहीं टूट फूट है तो उसको ठीक करेंगे, कहीं इक्विपमेंट की कमी है तो उसको भी देंगे, दवाइयाँ भी बढ़ा रहे हैं, ये लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पूरे कायाकल्प अभियान के तहत तो ये पूरे मध्य प्रदेश में सर अभियान चल ही रहा है, पर यहाँ मेडिकल कॉलेज है सर, आज रक्तदान शिविर इतना बड़ा आयोजन हुआ सर, लेकिन शिवपुरी का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ब्लड बैंक की कोई सुविधा नहीं है। यदि वहाँ पर रक्तदान की सुविधा शुरू करा दें आप, तो ब्लड बैंक के लोगों को, मरीजों को यहाँ तक आना नहीं पड़ेगा? नहीं, आज मध्य प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि सभी जगह ये रक्तदान शिविर अमृत महोत्सव हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव हम लोगों ने लगाए हैं, और आपने जो मेडिकल कॉलेज की बात संज्ञान में लाई है तो मैं हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास जी, मैं उनसे आपकी बात उन तक पहुंचाऊंगा कि जिससे जो समस्या है उसका निराकरण का तीसरा सर ये कि मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें अभी बरसात के दौरान देखा कि 300 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है और उसमें पानी बह रहा है नीचे, और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए शर्मनाक बात है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हुई और वहाँ पर इस तरह से जो है अनियमितता बरती गई। अब तक PIU के माध्यम से कोई काम वहाँ पर शुरू नहीं किया गया है, ऐसे में क्या एक्शन लेंगे आप? नहीं देखिए, ऐसा है, चाहे हमारा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हो, जिला अस्पताल हो, और जो हमारा चिकित्सा शिक्षा डिपार्टमेंट है उसके अंदर मेडिकल कॉलेज आते हैं। आपने जो बात बताई है, अभी अति वर्षा हुई थी, कई जगहों पर पानी अनाज ही कहीं पर अधिक आ गया है, जहाँ कोई दिक्कत होगी उसको हम लोग दूर करेंगे। अभी मेडिकल कॉलेज चलो चलो उनको निकलना।